दक्षिणे लक्ष्मणो यस्यो वामे चो जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्यो तं वन्दे रघुनन्दनम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेती याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदों तुलसीदास पुनि काग भुसुंडी खगेश अपने अपने घरन की सब काहु को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक से जुड़े समस्त आदरणीय पूज्य महान भावों अर्चनिया वंदनिया पूजनिया माताओं तथा बहनों, परम सौभाग्य का विषय है कि आज लिंक के माध्यम से हम आप सब भगवान श्री राम की मधुर मधुर दिव्य दिव्य नव्य नव्य कथाओं और लीलाओं को भिन्न वक्ताओं के माध्यम से सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। परमात्मा आप सबके तथा आदरणीय श्री जेएस पटेल जी की कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त हो सका है। एक दर्श आप सबको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आज जिस विषय पर चर्चा की जानी है यह श्रीमद् रामचरित मानस जी के 84 प्रसंगों में से 46वां प्रकरण है। अरण्य कांड के अंतर्गत प्रभु नारद संवाद प्रकरण। अरण्य कांड की लीला का स्मरण करने जा रहे हैं भगवान। एक दिन भगवान सुखासीन बैठे हुए थे, सुखासन में बैठे हुए थे और तब देवर्षि नारद के मन में विचार हुआ कि मुझे
भगवान का दर्शन करने के लिए चलना चाहिए और भगवान के सामने कुछ बातें रखनी चाहिए जो बातें नारद जी जानना चाहते हैं। नारद जी गए, बहुत सारी बातें हुई, भगवान से वरदान मांगा उन्होंने, पश्चात जहां से आज की कथा शुरू हो रही है, देवर्षि नारद ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु संतन के लक्षण रघुबीरा कहुनाथ भव भंजन भीरा। देवर्षि नारद ने भगवान से अनुरोध किया कि हे भव भंजन श्री रघुनाथ जी, आप संतों के लक्षणों को अपने श्री मुख से कहिए, मैं संतों का लक्षण जानना चाहता हूं। और तब देवर्षि नारद की जिज्ञासा को समझकर भगवान राम ने पूछे गए उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिन्हते मैं उनके बस रहूं, खट विकार जीतो अनघ अकामा अचल यकिंचन सूची सुख धामा। भगवान श्री राम देवर्षि नारद से कहते हैं, यहाँ विचारणीय बातें हैं कि देवर्षि नारद स्वयं संत हैं। पिछले जयंत प्रकरण में हमने देखा, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। देवर्षि नारद स्वयं संत हैं, और जब देवर्षि नारद स्वयं संत हैं तो क्या संत होने के नाते संतों के लक्षण से देवर्षि नारद अपरिचित रहे होंगे? एक बड़ी बात हो, नारद जी केवल ऋषि हैं, नारद जी केवल मुनि हैं, ऐसा नहीं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार देवर्षि नारद का है। तो जो भगवान नारायण के अवतार हैं, क्या वो संतों के लक्षणों से अपरिचित रहे होंगे स्वयं संत होकर भी? ऐसा कदापि संभव नहीं है। फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी केवल और केवल लोक कल्याण के लिए देवर्षि नारद ने ऐसी लीला की। देवर्षि नारद ने लोक कल्याण के लिए भगवान से ये प्रार्थना कर किया है ताकि लोग संतों के लक्षणों को जानें और संतों के लक्षणों को जानकर अपना स्वयं का अवलोकन करें कि इनमें कौन कौन से लक्षण मुझ में विद्यमान नहीं है, और जो लक्षण विद्यमान नहीं है स्वयं में उन लक्षणों को धारण करने का प्रयास करें ताकि प्रभु का प्यार, प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा उस जीव को प्राप्त हो सके। यह दर्शन कराने के लिए नारद जी ने भगवान से ये प्रश्न पूछा। और वैसे भी श्रुति कहती है, शास्त्र कहते हैं, नारद की परिभाषा भी यही है, नारम ज्ञानम ददाति स नारद। जो संसार के प्राणियों को ज्ञान प्रदान करते हैं उस ऋषि का नाम नारद है। और नारद देवर्षि कहे जाते हैं, मोनोपल्ली है यहाँ पर। संसार में हम देखते हैं कि ऋषि बहुत से हुए हैं, अभी भी ऋषिगण हैं, ऋचति साधयति शोधयति वास ऋषि, जो वेदों की ऋचाओं का अनुसंधान करते हैं, समुद्र की अनंत गहराइयों में छिपे हुए वेदों के मंत्रों को अपनी साधना के बल पर जो प्राप्त करते हैं जगत के कल्याण के लिए, ऐसे लोगों को ऋषि कहते हैं। इनकी संख्या बहुत हो सकती है, थी भी पहले बहुत, और इनसे कम संख्या में होते हैं महर्षि। ऋषि
ऋषि के पश्चात महर्षि और उन्हीं श्रेणियों में आते हैं राजर्षि, जैसे राजर्षि जनक, राजर्षि विश्वामित्र आदि, इनकी संख्या कम देखी जाती है। तो ऋषि, ऋषियों से बड़े हुए महर्षि और महर्षियों से भी बड़े होते हैं ब्रह्मर्षि, जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। तो ऋषि बहुत हुए हैं, महर्षि भी ज्यादा हुए हैं, यद्यपि ऋषियों से कम रही होगी उनकी संख्या और उनसे कम, लेकिन फिर भी बहुत कहा जा सकता है। ब्रह्मर्षि भी हुए, परंतु देवर्षि तो केवल एक ही हुआ, केवल नारद जी को यह संज्ञा प्राप्त है, यह विशेषण प्राप्त है, और अन्य कोई भी नारद जी को छोड़कर देवर्षि न हो सका। तो क्या उसे प्राप्त, उसे जानकारी नहीं रही होगी? जरूर जानकारी थी, लेकिन संत और भगवंत में कोई विशेष अंतर होता ही नहीं है। और किसी कवि ने तो सुंदर शब्दों में कहा, भगवान की महिमा को, भगवंत की महिमा को संत ही प्रतिपादित करते हैं। अगर इस जगत में संत ना होते तो भगवान की महिमा इतने विस्तृत रूप में जगत में प्रचारित ना हो सकी होती। इसलिए कवि ने कहा, राम तु संतन के पिता, संत राम के पूत, संतन होते जगत में तो होते राम निपुत। राम तु संतन के पिता, संत पुत्र हैं, भगवान उनके पिता हैं। अगर जगत में संत न होते तो भगवान निःसंतान हो जाते, अर्थात भगवान की महिमा, भगवान की गरिमा का प्रतिपादन अगर कोई करते हैं तो वो है संत। हमने कभी सुना था संत शब्द की व्याख्या, संत शब्द का अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो सधन अंत बराबर संत। स का अर्थ है समस्या, अंत माने समाधान या निदान, जो जगत की तमाम समस्याओं का समाधान कर दे, ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। अथवा स का अर्थ है संसार और अंत माने अंत समाधान, जो सांसारिकता या संसार की प्रवृत्ति या जगत की प्रवृत्ति जिसके कारण व्यक्ति बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसता है, उसे मिटा दे, ऐसे लोगों को संत कहते हैं। तो देवर्षि नारद भी संत हैं, और रामचरितमानस की वो दिव्य कथा जहां पर जयंत का प्रकरण आता है, जिस समस्या का समाधान ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोग आ गए, समित व्याकुल भैसो का काहू बैठन कहान हो ही, राखी न सकही राम कर द्रोही, जयंत की समस्या का समाधान जगत में कोई नहीं कर सका। उस समस्या का समाधान एक क्षण में नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। ये होते हैं संत। इसलिए संतों की महिमा गरिमा का प्रतिपादन भी आवश्यक है। ये संत ही मुक्ति के प्रदाता होते हैं। प्राणी मात्र को जगत के व्यवहारों से, जगत के झंझटों से, जगत के प्रपंचों से निकालने का काम अगर कोई करते हैं तो वो संत ही होते हैं। और इसीलिए संत भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। श्री राम इसलिए कह रहे हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूं। हे मुनि, हे नारद जी, मैं संतों के गुणों का वर्णन कर रहा हूं क्योंकि आपने संतों के लक्षण पूछे हैं। यहां शब्दों में थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा है। नारद जी ने क्या पूछा? तो संतन के लक्षण रघुवीरा, हे रघुवीर, हे राम जी, संतों के लक्षण कहिए। और भगवान राम ने कहा, सुन मुनि संतन के गुण कहूं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लक्षण का पर्यायवाची गुण है। लक्षण माने गुण, गुण को ही लक्षण कहा जाएगा, क्योंकि नारद जी ने लक्षण पूछा और भगवान गुण बता रहे हैं, तो गुण का अर्थ हुआ लक्षण। भगवान ने कहा, जिनते मैं उनके बस रहूं, हे नारद, मैं उन्हीं गुणों के कारण संतों के वश में रहता हूं।
यथार्थ में संतों में जो लक्षण विद्यमान होते हैं, संतों में जो गुण पाए जाते हैं, उन गुणों के कारण ही तो भगवान को वो अपने वश में रखते हैं। और कई संत ऐसे हैं, इतिहास साक्षी है कि जब भगवान की आवश्यकता हुई, जब भगवान की जरूरत हुई, तब संतों ने अपने विचारों के द्वारा, आमंत्रण के द्वारा, जब जहां चाहा भगवान को प्रकट भी तो कर लिया। इसलिए किसी कवि ने कहा है, प्रकट होते हैं पत्थर से कभी नाचे दुधारों पर, सदा से आए हैं दौड़े वो भक्तों की पुकारों पर। भगवान वो, और संत ये हैं जो जब चाहे भगवान को प्रकट कर लेते हैं। प्रहलाद ने खंभे में भगवान को प्रकट किया, संतत्व के कारण ही तो किया। भगवान सदा उनके वश में रहते हैं। और कई कथाएं तो ऐसी प्राप्त होती हैं कि जो बातें असंभव नहीं है उनको भी संतों ने संभव कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने किसी के तकदीर में पुत्र सुख नहीं लिखा, लेकिन संतों ने कृपा करके उन्हें पुत्र सुख प्रदान कर दिया। ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं। संत के अधीन भगवान रहते हैं, राम जी का उद्घोष है, जिनते मैं उनके बस रहूं, उन गुणों के कारण ही मैं संतों के वश में रहता हूं। 80 के दशक में मैंने चंद्रपाल ब्रह्मचारी महाराज नई दिल्ली से संतों के संबंध में एक कथा सुनी थी, मुझे स्मरण आ रहा है। किसी गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ, विदाई का क्षण था, बेटी की विदाई हो रही थी, बेटी रो रही थी, कन्या पक्ष के लोग रो रहे थे, डोली में नवविवाहिता बेटी को विदा की गई। उसी गांव में एक आश्रम हुआ करता था, उस आश्रम में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी उसी दिन चल बसे थे। आगे आगे महात्मा जी की 100 यात्रा निकली, अर्थी निकली, और पीछे पीछे बेटी की डोली चलने लगी। बारातियों ने देखा कि आगे आगे महात्मा जी की अर्थी जा रही है, सभी बाराती बेटी को धिक्कारने लगे, ये कैसी बेटी है, इसकी विदाई की बेला में ही एक महान संत का निधन हो गया, ऐसी बेटी जब हमारे गांव में जाएगी बहू बनकर तो पता नहीं गांव का क्या हाल होगा। लोग धिक्कारने लगे। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब किसी का प्राणांत होता है तो प्राण सीधे स्वर्ग या नरक या यमपुरी नहीं जाता। 12 दिनों तक 100 के आसपास स्मशान भूमि में, घर में, गांव में, आसपास खेत खलिहान में वो जीवात्मा वायु रूप में मंडराया करता है। 13वें दिन यमदूत उसे यमपुरी के मार्ग, मुख्य मार्ग में लाकर खड़ा करते हैं, और तब उसकी उसकी यात्रा यमपुरी की शुरू होती है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा। तो इस समय चूंकि शव यात्रा निकली है महात्मा जी की, तो महात्मा जी के जो प्राण थे, जो आत्मा थी उनकी, वो इस शरीर के आसपास मंडरा रही थी। उन्होंने सुन लिया कि बाराती बेटी को धिक्कार रहे हैं, और जब ये घर में पहुंचेंगे तो पता नहीं इस बेटी का क्या हाल करेंगे। जमाने में हम लोग समाचार देखते सुनते रहते। बड़ी दया आई उस महात्मा को, और उन्होंने विधि के विधान का फल दिया। शव यात्रा पूरी हुई, स्मशान भूमि में शव उतारा गया, अंत्येष्टि की तैयारी हो रही थी, और उसी समय उसकी आत्मा छोड़े हुए शरीर के अंदर आकर प्रविष्ट हो गई। देखते ही देखते उठकर बैठ गए महात्मा जी। लोगों को आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों ने पूछा, बोले महाराज आप तो मर गए थे, जी कैसे? महात्मा जी ने कहा, उस संत ने कहा, नहीं हम तो नींद में सो रहे थे, चलो हमें आश्रम ले चलो।
अब वो उस संत को आश्रम लाया गया, कहते हैं कि आश्रम में 3 दिन तक जीवित है। महात्मा जी जब जीवित हो गए तो यह समाचार भी आग की लपटों की तरह फैल गई। अब वो बेटी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी, वहां के लोगों को भी पता चला कि जो महात्मा जी खत्म हो गए थे, जिसकी अर्थी डोली के आगे आगे चल रही थी, पता चला कि वो महात्मा जी जी गए। लोग महात्मा जी का दर्शन करने आ रहे हैं, महात्मा जी का दर्शन करके फिर बेटी का दर्शन करने जाते हैं। ये तो बहुत सौभाग्यशाली लक्ष्मी बहू है, पीछे इसकी डोली चल रही थी और डोली के झरोखे से इसने मरे हुए संत जी को देखा, तो इसकी कृपा से महात्मा जी जी उठे। बड़ी पूजा होने लगी बेटी की। 3 दिन के बाद महात्मा जी ने पूछा, कहो क्या है बेटी का स्थान में? लोगों ने कहा महाराज पूजी जा रही है, पूजा हो रही है बेटी की। और तब संत ने कहा कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, मैं बेटी की लाज बचाना ही चाहता था, इसलिए विधि के विधान को तोड़कर मैं जीवित हो गया और अब मैं सदा सदा के लिए मर रहा हूं। ऐसा कहकर संत ने अपने देह का त्याग कर दिया। ये कथा सुनी, ऐसे होते हैं संत। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि संत जगत के लिए होते हैं, संत अपने लिए नहीं होते, इसलिए भगवान संतों के वश में रहते हैं। श्री राम ने आगे संतों के लक्षण अथवा संतों के गुणों का वर्णन करते हुए, वैसे बहुत सारे गुण भगवान ने कहे हैं, इनमें से चंद 2-4 बातों की चर्चा ही समय की परिधि में संभव है। भगवान ने कहा, खट विकार जीत नघय कामा अचल किंचन सुचि सुख धामा। हे नारद जी, संत वो होते हैं जो 6 प्रकार के विकारों को जीत के होते हैं। खट विकार जीत, विकार 6 प्रकार के मुख्य रूप से माने गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। लेकिन विद्वान एक मत नहीं है, ज्यादातर ग्रंथों में, ज्यादातर शास्त्रीय चर्चाओं में ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन्हीं 6 दोषों को खट विकार कहा गया है। परंतु अन्य विद्वानों के अनुसार 5 कर्मेंद्रियों के कार्य और मन, इनको मिलाकर ये 6 विकार भी शास्त्रों ने गाए हैं। तो इस तरह 2 प्रकार से हो गए, एक तीसरा प्रकार और पढ़ने में कभी आया था, भव सागर की जो 6 तरंगे हैं, यह संसार सागर है, इस बात को सब लोग कहते हैं, भव सागर भव सागर। तो जब ये भव, ये संसार सागर है, तो जैसे समुद्र में उत्ताल तरंगे उठती हैं, अब ये भव जो है ये सागर हो गया, संसार सागर हो गया, तो यहाँ भी तरंगे उठती होगी। और तब वो तरंगे कौन कौन सी है? तब शास्त्र का कहना है कि भव सागर में भी 6 तरंगे उठती हैं और ये 6 तरंगे ही खड विकार कहे जाते हैं, ऐसा भी ग्रंथों ने कहा। परंतु रामचरितमानस के सभी टीकाकारों ने इस प्रसंग पर खट विकार के रूप में काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर अर्थ ही किया है। इसलिए इन्हीं बातों पर विचार का प्रयास हो। जो लोग 6 प्रकार के विकारों को जीत लेते हैं वो संत हैं, ऐसा राम जी का कथन। इनमें पहला है काम। काम वैसे तो संसार में बहुत से लोग काम को जीतने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर से भगवान जाने, अंदर से जो बात भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं अध्याय 3 में,
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हे अर्जुन, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है अथवा काम ही क्रोध है और इनसे रजोगुण की उत्पत्ति होती है और ये महान दुश्मन है। काम का अर्थ है कामना अथवा वासना। संसार के किसी भी पदार्थ को भोगना अथवा भोगने की इच्छा का होना काम कहलाता है। भोग लिए तो ठीक, और नहीं भोगे केवल मन में विचार आ गया तो भी वो काम का भोग मान लिया जाता है और मन में विचार आते ही उसे पाने की प्रबल इच्छा लोगों में दिखाई देती है। जो अंत में विचार करने से पता चलता है पतन का कारण होता है, क्योंकि काम का जो स्वभाव है वह भी निम्न धरातल की ओर बहना ही है। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे धरातल की ओर बहना, इसी तरह काम उत्पन्न होता है मन में और मन का स्वभाव है नीचे धरातल की ओर बहना अर्थात पतन की ओर बहना। तो मन पतन की ओर ले जाता है, इसलिए मन को पतन का कारण भी माना गया है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, ऐसा गीता में कहा। तो जिस प्रकार से नीचे धरातल की ओर जल का बहना स्वभाव है लेकिन उसे अगर ऊपर की ओर ले जाना हो टंकी में तो यंत्रों की आवश्यकता होती है, इसी तरह मन में काम प्रादुर्भूत होता है, मन में काम पैदा होता है और उसे ऊपर की ओर ले जाने के लिए मंत्रों की, सलाह की, ज्ञान की, कथाओं की आवश्यकता होती है। तो काम जो है वह प्राणी मात्र को पतन की ओर ले जाता है, इसलिए काम पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। एक निवेदन और, प्रकृति की वस्तुओं में जो वस्तु अपनी नहीं है, जो वस्तु बाहरी है, उसकी कामना को ही काम कहते हैं। प्रकृति में, संसार में जो वस्तु मुझे छोड़कर, जो मुझ में नहीं है, जो मेरा नहीं है अथवा जो मैं नहीं हूं, मुझे छोड़कर अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उनको पाना काम कहलाता है। स्व को प्राप्त करना ये कामना नहीं है। जैसे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, ये काम नहीं है, इसको काम नहीं कहा जाएगा। इसी तरह भगवान संतुष्ट होते हैं सेवा से, तो किसी की सेवा करना ये काम नहीं है। काम का अर्थ प्रकृति में उपलब्ध किसी भी पदार्थ को भोगना या भोगने की इच्छा का पैदा होना जो अंत में पतन की ओर ले जाता है। इसी तरह क्रोध, क्रोध को अग्नि कहा गया है, इसलिए एक शब्द आता है क्रोधाग्नि। और क्रोध जैसे अग्नि, जब क्रोध को अग्नि कहा जाता है तो अग्नि का स्वभाव क्या है, बहुत बारीक बात है लेकिन आसान है। अग्नि जब भी प्रकट होती है, आग जब भी पैदा होता है, वो अपने जन्म स्थान को पहले जलाता है। उदाहरण के लिए माचिस की तिल्ली में जो फास्फोरस लगा होता है उसके मुख की ओर, उसे जब डिब्बी के फास्फोरस से रगड़ा जाता है तो आग पैदा होती है। और जैसे ही आग पैदा होती है तो आग काड़ी के उसी भाग को जहां से आग पैदा होती है उसको पहले जलाती है, बाकी को बाद में जलाएगी। और ठीक इसी तरह क्रोध भी है। क्रोध जहां पैदा होता है, मान लीजिए मैंने किसी के लिए क्रोध किया तो जिसके प्रति मैंने क्रोध का प्रदर्शन किया वो तो बाद में जलेगा, लेकिन क्रोध की अग्नि में मैं पहले जलूंगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है अपने जन्म स्थान को ही जलाना। इतनी घातक है, ऐसा घातक है क्रोध, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। ये राम जी का कथन है, काम क्रोध लोभ, अधिक से अधिक लाभ की कामना ही लोभ कहलाता है। और लोभ का अर्थ है लालच। इस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आप सब विज्ञ पाठक हैं, सब लोग विद्वान हैं,
और लोभ के संबंध में सब लोग जानते हैं, लोभ मोह, मोह पर भी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है बहुत विद्वानों के द्वारा। मुझे एक शब्द पर कुछ कहना है, वो शब्द है मत्सर। मत्सर, मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि आज इसी का बाजार ज्यादा गर्म है। मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या। लोग ऐसा कहते भी हैं कि नहीं, अच्छे कार्यों की नकल करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, सुनने में आता है। सुनने में ये बात तो अच्छी लगती है, लेकिन बहुत अच्छी है नहीं भाई। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके अच्छे कार्य को देखकर उसकी नकल करोगे? मान लीजिए कोई अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है तो उसको देख के आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाओगे, और नहीं पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ाओगे, ऐसा नहीं। दूसरे के घर में अंग्रेजी का पेपर आ रहा है तो अपने घर में आना चाहिए, ये विचार ठीक है। इसी का नाम है मात्सर्य, कॉम्पिटिशन जिसको कह सकते हैं। ये विचार उतना अच्छा नहीं है, ईर्ष्या ठीक नहीं है बिल्कुल। कार्य करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा नहीं कोई मंदिर में पूजा कर रहा है तो उसको देख के मैं भी पूजा करूं। तो देख के जब मैं पूजा शुरू करूंगा तो पहले वाला मेरा मार्गदर्शक जिस दिन पूजा करना छोड़ देगा उस दिन मेरी भी पूजा बंद हो जाएगी, क्योंकि नकल। इसलिए देख कर नहीं, कर्तव्य मान कर पूजा करें। और इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, यहां तक प्रेम ईश्वर का रूप, और प्रेम भी, प्रेम तो करें सबसे, प्रेम अवश्य करें सबसे, लेकिन किसी के गुणों के कारण प्रेम ना करें। अब ये बात उल्टी लगेगी, अरे गुणों को देखकर ही तो प्रेम होता है, अच्छे गुण किसी में है तो उन गुणों को देखकर उनसे प्रेम होगा। लेकिन निवेदन ये है, अच्छे गुणों को देखकर अगर प्रेम किया जाएगा तो गुण सदा रहने वाले नहीं है, क्योंकि हम ही लोग सदा रहने वाले नहीं है। जब हम स्वयं सदा नहीं रहेंगे तो गुण कहाँ से सदा रहेंगे? चलिए एक उदाहरण दिया जाए, कोई आदमी जानकार है और ज्ञान है, इसलिए उनसे हमने प्रेम किया। अब उसकी उम्र 85 साल की हो गई, तब लोग जो प्रेम करते थे वही कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं अब बूढ़े हो गए हैं, बोलना चाहते हैं कुछ बोल डालते हैं, कुछ ज्यादा भरोसा करने का नहीं, तो श्रद्धा समाप्त होने लगती। तो इसलिए प्रेम ना करें, गुणों के कारण प्रेम ना करें, बल्कि प्रेम करना सहज स्वभाव है, प्रेम ईश्वर का रूप है, प्रेम करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझकर मैं प्रकृति के प्रत्येक वस्तुओं से, प्रत्येक चीजों से, प्रत्येक प्राणियों से प्रेम करूं तो ये वास्तव में प्रेम। अन्यथा गुणों के कारण जब प्रेम किया जाएगा तो गुण जैसे ही समाप्त होंगे प्रेम भी धाराशाही हो जाएगा। तो मात्सर्य इसका अर्थ है ईर्ष्या, देखा देखी किया जाने वाला कार्य। इन 6 प्रकार के जो विकार हैं, इन पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं हे नारद जी, वो संत है। अनघ अकामा, ये बहुत काम का शब्द है। अनघ, अनघ का अर्थ सभी व्याख्याकारों ने, सभी टीकाकारों ने पाप ही किया है। जो पाप से रहित हो वो लोग संत हैं, जिनके जीवन में पाप नहीं है, जो पाप कर्म नहीं करते हे नारद जी, वो संत हैं। अनघ, ये अनधन अघ ऐसा है, लेकिन अघ का अर्थ पाप तो होता है सामान्य अर्थों में, परंतु पाप में और अघ में विचार करने पर, गहराई से सोचने पर थोड़ा सा अंतर है। स्वाभाविक रूप से जो हो जाते हैं अथवा बिना जाने जो गलतियां हो जाती है उसको कहते हैं पाप, और जान कर जो किए जाते हैं उसको कहते हैं अघ। ये अंतर है दोनों में। सामान्य तौर पर पाप का पर्यायवाची है अघ, लेकिन जानकर जो पाप किए जाते हैं वो पाप अघ कहलाता है,
सामान्य रूप से जो पाप हो जाते हैं अनजाने में हो जाते हैं, इसलिए उनका प्रायश्चित भी सरल है, और जानकर किए जाने वाले जो पाप है उनका प्रायश्चित सरल नहीं है, आसान नहीं है। अघ का निवारण तो भगवान की कृपा से ही संभव है। तो अनघ होते हैं जो लोग, पाप कर्म जो लोग नहीं करते, जो निष्पाप होते हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत से कार्य न चाहते हुए भी पाप के करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए कृषि कार्य, जब कृषि कार्य किसान करता है तो कितनी हिंसा होती है, कितने जीव मारे जाते हैं। अच्छा, जीव जब मारे जाते हैं तो उसका पाप तो लगेगा, निसंदेह लगेगा, लगता ही है, लेकिन उसका प्रायश्चित भी सरल है। क्योंकि अगर पाप होता है यह मान लिया जाए तो कृषि कार्य होंगे ही नहीं, बहुत जीवाश्म मरते हैं, और जब कृषि कार्य होंगे ही नहीं तो संसार का भरण पोषण आखिर कैसे होगा। इसलिए ये पाप जान है, ये पाप करना ही पड़ेगा, आवश्यक है, इसलिए इसका प्रायश्चित सरल है। बस साल भर खेती कार्य में पाप हुआ और एक दिन दान कर दिए तो कृषि कार्य में जो पाप हुए होते हैं उनका शमन हो जाता है। इसी तरह घर गृहस्थी में रसोई बनाने में गृहिणियों से बहुत पाप होते हैं, चींटियां चूल्हे के अंदर छिपी होती हैं, आग जलाते समय वो जल जाती हैं, लकड़ी में छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं, जलाते समय वो जल जाते हैं, तो पाप तो होते हैं। तो पाप ना हो ऐसा सोचा जाएगा तो भोजन ही नहीं बनेगा, जबकि भोजन बनाना आवश्यक है। तो आवश्यक है जब भोजन बनाना, तो उससे पाप तो होंगे ही, तो उसका श्रम भी। भोजन बनने के पश्चात अन्न के चार दाने अग्नि देवता को समर्पित करके दो चार बार राम का नाम ले दिया जाए तो रसोई में चौका चूल्हा में जो पाप होता है उसका समन हो जाता है। लेकिन अघ का समन जानबूझकर किए जाने वाला अनघ अकामा, इनके जीवन में पाप नहीं होते है नारद जी, जो निष्काम है वो संत हैं। फिर कहा गया अकामा, निष्काम, जिनके जीवन में कामना ना हो, जिनके जीवन में इच्छाएं ना हो, सांसारिक इच्छाओं से अभिप्राय है यहाँ पर। अकामा का अर्थ सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा जिसकी ना हो, ऐसे लोग संत कहलाते हैं। आगे भगवान ने कहा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, हे नारद जी जो अचल हैं, अचलता है जिनके स्वभाव में। अचल किस बात का, एक जगह बैठने वाले संत, नहीं नहीं ये अर्थ नहीं। अचल धर्म में जो अचल है, जो कभी भी अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते, मन से वचन से कर्म से अपने स्वधर्म का जो लोग पालन करते हैं, अचल है अपने धर्म में, धर्म में चलायमान परिवर्तन करने के इच्छुक जो नहीं है, निष्ठा कह सकते हैं, जिनकी निष्ठा हो अपने धर्म में, ऐसे लोग संत कहलाते हैं। आगे कहा अकिंचन, अकिंचन का अर्थ वैसे गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर गरीब लोग संत हैं ऐसा नहीं होगा अर्थ। अकिंचन का तात्पर्य यह है कि संसार की संपत्ति जिसके पास न हो, जिसके पास केवल और केवल राम नाम